धार के शातिर बदमाश ने सरकारी नौकरी लगाने और कुंवारी युवतियों से शादी का झांसा देकर की लाखों की धोखाधड़ी व यौन शोषण। धार क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली की टीम ने आरोपी शरद पिता हरिशंकर पाटीदार निवासी ग्राम सगवाल थाना अमझेरा जिला धार को किया गिरफ्तार। आरोपी शरद पिता हरिशंकर पाटीदार ने महाराष्ट्र दिल्ली व मध्य प्रदेश के इंदौर भोपाल जबलपुर में कई बेरोजगार युवतियों को नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की वारदात की। आरोपी शरद स्वयं को पूर्व विधायक का बेटा बताकर सरकारी विभाग में अपनी पहचान बताकर खासकर इंजीनियरिंग की छात्राओं को अपना निशाना बनाकर उनके साथ करता रहा ठगी। पुणे महाराष्ट्र की सिविल इंजीनियर युवती ने नौकरी के नाम पर आरोपी ने 5,75,000 रुपए ठग लिए। इसके अलावा 2020 में थाना कोतवाली धार में भी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज है। आरोपी क्लब बार होटलों में महंगे शौक पूरा करने के लिए करता था ठगी की वारदात। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास मिले मोबाइल के फोन पे गूगल पे अकाउंट पे में लेन देन के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के आधार पर साइबर सेल टीम द्वारा जांच की जा रही है। इसमें और भी कई पीड़ितों के नाम मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। गिरफ्तार आरोपी ग्राम सगवाल में कृषक परिवार से है। उसकी शादी 8 वर्ष पूर्व होकर उसके 2 बच्चे भी है। फिर भी आरोपी ने वर्ष 2021 में shaadi.com पर ID बनाकर कई युवतियों से दोस्ती बनाई, शादी का झांसा देकर उनके साथ ठगी व यौन शोषण किया। भोपाल गोविंदपुरा थाना क्षेत्र की एक युवती की shaadi.com साइट पर आरोपी शरद की दोस्ती हुई थी, जिसमें शरद ने स्वयं को अविवाहित बताया था। फिर कुछ दिनों बाद युवती को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर होटल में कई बार शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही उसने 2.5 लाख रुपए दिए। बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिसकी रिपोर्ट युवती ने गोविंदपुरा थाने पर दर्ज करवाई थी, जिसका मामला भोपाल न्यायालय में विचाराधीन है। एक अन्य मामले में सन 2020 में धार थाने पर आरोपी के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है, जिसमें आरोपी ने 1,73,000 रुपए की ठगी की। थाना कोतवाली पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। कोतवाली थाना अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज हुआ है 420 का, जिसमें पुणे से रहने वाली एक युवती अपने परिवार के साथ आई। उसने लिखित में कंप्लेन किया कि धार का रहने वाला एक व्यक्ति है, जिसका नाम शरद पिता हरिशंकर पाटीदार निवासी अमझेरा, जो अपने आप को पूर्व MLA का लड़का बताकर ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करके उनको नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था। अभी तक जो इस लड़की ने हमारे पास जो स्टेटमेंट वगैरह दिया है, उसमें 5,70,000 रुपये का उसमें ब्यौरा है, तो उसमें IPC धारा 420 में इसके विरुद्ध जो है प्रकरण दर्ज किया गया है। कितने लोगों को शिकार बनाया है? अभी हमारी जो टीम है उसके बैंक स्टेटमेंट और उसके चैट्स और उसके कॉल रिकॉर्डिंग और तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया के माध्यम से वो बात करता था, हम उसमें उसको देख रहे हैं और कितने लोग इसके जाल में फंसे हैं उसका पूरा जो आंकड़ा भी आना बाकी है। सर, आरोपी का लाइफ स्टाइल कैसा है? आरोपी जो है पैसे लेकर थोड़ा मतलब लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन रखता है। इसके जो लाइफ स्टाइल है, बड़े बड़े होटलों में जाना और क्या बोलते बड़ी गाड़ियों में घूमना, ऐसी जो है इसकी शोहरत थी। और अब चूंकि अब हमारे इसमें आ गया, तो धीरे धीरे इसकी प्रत्यय हम खोलेंगे कि कहाँ से ये इससे और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और किन लोगों को इसने जो है अपना शिकार बनाया। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताया जा रहा है, तो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, किस खुलासा हुआ है? नहीं, ये केवल बताने के लिए अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताता था, बाकी इसका देखा जाए तो उसके पिताजी जो है किसान है, ऐसा कोई इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं निकला। एजुकेशन क्या है सर? आरोपी जो है 12th तक पढ़ा है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।